आहिल बेटा, हम थोड़ा सा थक गए हैं, घर जाके थोड़ा आराम करना चाहते हैं। कुछ खाना तो खा लिया? नहीं नहीं, हम ठीक है, बस जाएंगे। पापा, रजिया बी ने मुझे इन लोगों को यहाँ रोक के रखने को कहा था। अगर ये बुड्ढी वहाँ पहुँच गई तो वो दूसरी बुड्ढी मेरे सर पे तांडव शुरू कर देगी। ठीक है, चलिए। रुकिए, कहीं नहीं जाएंगी बेगम साहिबा, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आहे सनम, क्या हो, क्या क्या तुम? प्रॉब्लम है तो नहीं, लेकिन इस बुड्ढी के घर पे पहुंचते ही हो जाएगी। सनम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? घबराई हुई? हाँ तो, अरे घबराऊ नहीं तो क्या करूं? मेरी जगह कोई भी होता तो घबरा ही जाता। इस तरह दिन दिहाड़े बॉम्ब ब्लास्ट होना जैसे कोई मजाक है। और ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या पता पूरा दिन आगे चल के और क्या हो सकता है। कुछ भी हो जाए, मैं बेगम साहिबा को नहीं जाने दूंगी। आप भी नहीं जाएंगे, हमें से कोई घर नहीं जाएगा। अम्मी देखिए, सनम सही कह रही है, आप प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर। सनम को हमसे कोई हमदर्दी तो है नहीं, फिर ये कमबख्त इतना प्यार क्यों हम पर दिखा रही है? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। और सब की तरह तुम्हारी बड़ी अम्मी को भी यह लगा कि सहर ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर उस ऊपर वाले अल्लाह का करम होता है उसे कौन मार सकता है। तो सहर बच गई। और एक मजेदार बात बताती हूं तुम्हें, मैंने सहर को नहीं ढूंढा, वो तो खुद अपनी किस्मत ढूंढने इस घर में चली आई चोरी करने। वो शेख और उसकी तीन बीवियां याद है ना? सनम, तुमने ये शेख साहब की छोटी बेगम को कहीं? शेख की तीसरी बीवी सहर थी, वो मेरे इतने करीब थी और मुझे पता भी नहीं चला। तुम्हें क्या पता नहीं चला? अरे किसी को भी पता नहीं चला, मुझे कौन सा पता चलता? वो तो मैंने रिकॉर्डिंग देख ली जिसमें तुम दोनों को मैंने एक साथ देखा। और बस मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि मेरे किस्मत की चाबी इसी लड़की के हाथ में है। इसीलिए तो मैंने उसे ढूंढने के लिए इतने इतने पापड़ बेले। लेकिन कहते हैं ना कि वो परवरदिगार ऊपर सबको देख रहा है। मुझे शहर गणेश जी के मंदिर में मिली थी जहां मैंने उसे अपना काम करने को कहा। वो ठहरी ठग चोर, पैसे की बात सुनते ही राजी हो गई। मेरे हाथ में आ गई तब मैंने कोहिनूर होटल में तुमसे उसको बदल दिया। मतलब वो कुछ नहीं जानती, मतलब वो उसे पता ही नहीं है। और उसे ये सब कभी पता भी नहीं चलेगा, कभी नहीं। अम्मी से तुम सही कह रही है, देखो वैसे भी निकाह खत्म हो चुका है, जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, हम यहाँ क्या करेंगे? हमें कुछ हमारा कुछ काम भी नहीं है, आराम करना चाहते हैं। और गजाला और रजाक भी तो हमारे साथ है ना, वो हमारा ध्यान रखेंगे, हम अभी उनको बुलाते। गजाला, रजाक, अम्मी हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारा यहाँ काम ही क्या है। ठीक है, चलिए। हया के रुखसती का वक्त हो गया है, आप सबको बुला रहे।
ए लो, अब ये एक नई मुसीबत। मुझे क्या पता इनकी विदाई के वक्त में क्या रस्म होती है। बेगम साहिबा, अगर आपको जाना ही है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, चले जाइए आप। लेकिन आप खुद सोचिए, आपको नहीं लगता कि हया की रुखसती तक आपको रुकना चाहिए? अब आप देखिए, लड़की वालों की तरफ से अगर रुखसती में कोई भी नहीं रहेगा तो मेरी बहन का दिल टूट जाएगा। अम्मी अब्बा तो कभी थे ही नहीं, और बड़ी अम्मी, इसलिए मैं बस चाहती थी कि घर में बड़ी आप ही हैं, तो अगर आप रहती तो हया को कितना अच्छा लगता। और वैसे भी अगर रुखसती के वक्त बड़ों की दुआएं होना तो लड़की बहुत ही सुखी रहती है। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सनम, अम्मी बिल्कुल मना नहीं करेंगी। Alright. क्यों अम्मी? हाँ, आहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम रुक जाते हैं। ये तो मैं जानती हूँ, हमारी बेगम साहिबा का दिल इतना बड़ा है, वो कैसे मना करेंगी। मैं जानती थी बेगम साहिबा कहीं नहीं जाएंगी। इस घर के साथ मेरा क्या रिश्ता है? ये वो घर है जहाँ तुम पैदा हुई, तुम्हारी बहन पैदा हुई। ये वो घर है जहाँ तुम्हारे अम्मी अब्बू रहते थे, और उस सबसे पहले ये वो घर है जहाँ का पत्ता पत्ता मेरे हुक्म से हिलता था, जहाँ के जर्रे जर्रे में मेरी हुकूमत थी। ये मेरा घर है सनम, ये मैं हर किस नहीं छोड़ूंगी, इसे मार डालूंगी। सुनो, वो लड़की अभी अभी यहां से भागी, किसी भी हाल में वो आहिल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। शुक्रिया आहिल भाई, आप भले ही हया के रिश्तेदार हैं, लेकिन आप सबने मेरे पूरे घर के साथ हमेशा रिश्ता निभाया। And my little princess, आज दोहरी खुशी है। एक तो तुम्हारी आवाज वापस आई, और दूसरी मेरी प्रिंसेस की आंखों का सपना वो पूरा हो गया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मैं यही विश करती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। और कभी भी अपने प्यार से अलग ना हो। मैं सनम को कैसे बताऊं कि जिस खुशी की वो दुआ कर रही है वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अब दर्द के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। तुम ठीक हो? चलो आया, रुखसती के लिए देर हो रही है। मुझे इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी राहत के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। राहत इतने नकली और इतने बनावटी कैसे हो सकते हैं? मैंने हया और राहत के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, तुम्हारी रुखसती के लिए। अकार केफर, मतलब ड्राइवर, खा लो, आपको चलानी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।